नमस्कार। क्यों और कैसे के चौथे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम दैनिक जीवन की साधारण और दिलचस्प घटनाओं पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम देखकर उतना ही आनंद मिल रहा है जितना हम लोगों को इसे प्रस्तुत करने में। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मंथ। Do steroids do to the body? स्टेरॉइड्स का शरीर पर क्या असर पड़ता है? सभी दवाओं की तरह स्टेरॉइड्स भी सदुपयोग करने पर लाभदायक हैं और दुरुपयोग करने पर हानिकारक। कुछ स्टेरॉइड दवाओं से तो डॉक्टरों ने चमत्कार इलाज करके दिखाए हैं, जैसे कि यह दवा ब्लड प्रेशर को रोकती है और यह दवा अस्थमा से राहत दिलाती है। हार्ट ट्रांसप्लांट के समय या कुछ किस्म के कैंसर के इलाज में स्टेरॉइड का होना बहुत जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि स्टेरॉइड पेड़ पौधों और मनुष्य के कोशिकाओं या सेल्स में भी होते हैं और बड़ी नाजुक भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर से अधिक मात्रा में स्टेरॉइड पैदा होने से हम दैत्यकार बन सकते हैं, बहुत कम मात्रा में बनने से हम बौने हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स हमारी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। डॉक्टर घोष, क्या आप इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? In recent years, we have noticed that sportsmen persist in taking steroids. This is because anabolic steroids cause what is known as hypertrophy of the muscle fibers, making the muscles bunch up and stimulate a temporary rise in speed, power and skill. However, excessive usage or continuous steroid abuse can lead to a lack of sensitivity of the nerves, growing weakness, easy excitability, loss of appetite, insomnia, and even mental disturbance, leading up to suicide. यदि स्टेरॉइड से मस्तिष्क और शरीर का इतना नुकसान होता है, तब खिलाड़ी स्टेरॉइड्स का प्रयोग क्यों करते हैं? ये इसलिए कि आज का खेल पहले की तरह नहीं रहा है। अब दांव काफी कठिन हो गया है और खेल का मतलब सिर्फ जीत रह गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि खेल जीतने के लिए खिलाड़ी पर अक्सर भारी दबाव पड़ता है। इसका लक्ष्य पाने का आसान रास्ता है स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड से गति, शक्ति और कुशलता तीनों बढ़ जाती हैं। एंड नाउ लेट्स मूव फ्रॉम दिस फेयरली डिस्टर्बिंग इश्यू टू अ माइनर डिस्टर्बेंस। Why is radio reception disturbed? If the doorbell rings, दरवाजे की घंटी बजने से रेडियो में क्यों घरघराहट होती है? रेडियो में ये घरघराहट तभी पैदा होती है जब आपके दरवाजे पर इस तरह की घंटी हो। म्यूजिकल घंटी बजाने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके बजाने की प्रक्रिया अलग है। उनमें हैमर की चोट से आवाज नहीं निकलती। आइए देखें कि डोरबेल का बटन दबाने पर होता क्या है। इससे इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, परिणाम बोल्ट चुंबकित यानी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और क्लैपर आर्म को अपनी ओर खींचता है। ऐसा होते ही सर्किट टूट जाता है और करंट रुक जाता है। तुरंत बोल्ट के मैग्नेटिक शक्ति समाप्त हो जाती है और क्लैपर आर्म अपनी जगह वापस लौट आता है।
इस प्रकार सर्किट एक बार फिर पूरा हो जाता है। ये तब तक होता रहता है जब तक आप बटन को दबाए रखते हैं। सर्किट के बार बार बनने और टूटने से डोरबेल से एक प्रकार के संकेत निकलने लगते हैं। ये संकेत रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर से निकलने वाले संकेत से मिलते जुलते हैं। रेडियो चलते समय अगर कोई घंटी बजाए तो रेडियो इन संकेतों को पकड़ लेता है, जिससे हमें गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। We have just seen that the making and breaking of an electrical circuit gives off certain signals which our radio picks up. These signals are electromagnetic in character. This is because whenever one pushes a doorbell, the circuit keeps on breaking, making the electrons, the charge carriers in the wire, speed up and slow down, speed up and slow down. This energy change is converted into electromagnetic waves. These electromagnetic signals given off by a door buzzer are similar to the ones transmitted by All India Radio, and your radio picks them up. Over the years, scientists have discovered that there are many other forms of electromagnetic waves. For example, gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, even visible light, infrared, and so on. Since their frequencies are different, they are not picked up by any radio set. Incidentally, radio waves are also given off by heavenly bodies, and their study has opened up a whole new vista in astronomy, revealing to us the existence of a whole new universe of invisible matter that emits not light, but radio waves. And now for our next question, which deals with flight, something which we have all wondered about at some point in time. Is there any difference between how birds and aeroplanes fly? क्या हवाई जहाज और चिड़ियों के उड़ने में कोई फर्क है? मनुष्य के मन में हमेशा ही उड़ने की इच्छा रही है। हमारे पूर्वजों ने तो पक्षियों की तरह अपने शरीर पर पंख लगाकर उड़ने की कोशिश भी की है। लेकिन आज जब हम आकाश में उड़ते हैं, तब क्या हम सचमुच में पक्षियों की नकल कर रहे हैं, डॉक्टर घोष? इसके बारे में कुछ बताइए। इन अ वे वी डू, बट इन अ सिग्निफिकेंट वे वी डोंट। द बेसिक डिफरेंस इज दैट बर्ड्स यूज देयर विंग्स फॉर बोथ लिफ्ट एंड प्रोपल्शन, वेयर एज एयरक्राफ्ट्स यूज देयर विंग्स फॉर लिफ्ट एंड देयर इंजन्स फॉर प्रोपल्शन। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर सिन्हा, वुड यू प्लीज गिव मी अ हैंड। व्हाट यू आर सीइंग हियर इज अ stiff board on top and a piece of paper below. Now we are going to blow air through the gap between them. Notice that the free end of the paper moves up. This is because the fast air blowing above that paper reduces the pressure on it, and therefore the higher atmospheric pressure below pushes it up. That is the fundamental principle of flight. Now we will see how that principle is applied to the flight of an aircraft. The standard cross section of the wing of an aeroplane looks like this. Notice that the top surface is curved and the bottom surface is flat. Consequently, air flowing above the wing has farther to go in the same time as air passing below it. So it has to go faster. Consequently, the pressure above the wing is less than
the pressure below it, causing the wing to lift. This shape of the wing is what scientists call an aerofoil. The air current can be generated by either facing the wind or by rushing through air. For best results, use a combination of both. That is, run into the wind. दरअसल पक्षियों का पूरा शरीर एक उड़ान यंत्र होता है। पंख का लचीला मोड़ उन्हें ऊपर उठाने तथा उनके उड़ान भरने में मदद करता है। इस डिजाइन के कारण पंख के ऊपर की हवा में प्रेशर कम रहता है और नीचे ज्यादा, इसलिए पंख अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगता है। इसके अलावा खोखली हड्डी होने के कारण पक्षियों का शरीर बहुत ही हल्का होता है, उनके शरीर में मूत्राशय भी नहीं होता, इस प्रकार उन्हें प्रकृति ने कोई अतिरिक्त भार नहीं दिया है। बर्ड्स विंग्स आर द लास्ट वर्ड इन एरोफॉइल डिजाइन and aero designers have learnt a lot from them. What they haven't come up with yet are wings with the flexibility of a bird's wings to achieve both lift and propulsion. Just think what a strong heart a bird must have to be able to power such flight. So, equipped with a responsive engine, the world's best wings, and springy toes for a useful kickoff, a bird can explode into flight at a moment's notice. Now, wasn't that a fabulous shot? Right, let's move from the great outdoors to a more familiar indoor scene. Why does a chapati have two layers, one thick and one thin? Chapati mein ek moti aur ek patli parat kyun ban jati hai? Let's see how she did it. First, she rolls out the dough evenly before putting it on the tawa. This is critical. It determines whether we are going to have a good chapati or not. Heat dries and seals the underside first. Then it's flipped over to seal the other side as well. When placed over an open fire, the moisture trapped inside evaporates quickly and presses against the top and bottom of the chapati, making it swell like this. Let me show you something. A chapati has two layers. One thick and one thin. The thicker layer is the side that received heat longer. परंतु मेरे जैसा नौसिखिया जब टेढ़ी-मेढ़ी चपाती बेलता है तो उसका कुछ हिस्सा पतला रह जाता है और कुछ मोटा। तवे की आंच से इस तरह की चपाती के ऊपरी और निचली तह की छिद्र बंद हो जाती हैं, फिर भी आग पर सेकने के समय ये फूलती नहीं। कहीं मोटी और कहीं पतली होने के कारण चपाती के भीतर समान रूप से भाप नहीं बन पाती है, इसलिए ना तो चपाती फूलती है और ना तो इसमें दो परतें बनती हैं। All of you may not have undergone the headache of making an even chapati, but I am sure you must have experienced headaches, and that is what our next question is all about. Thank you.
What causes a headache? हमें सर दर्द क्यों होता है? सर दर्द के विभिन्न कारण हो सकते हैं। ये मानसिक तनाव या किसी बीमारी से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि दृष्टि आयास, जुकाम, बुखार, रक्तचाप या एलर्जी। कारण कुछ भी हो, परिणाम एक ही, सर दर्द। आइए ये देखते हैं कि मस्तिष्क के किस भाग से और कैसे ये दर्द पैदा होता है। It would appear that the pain comes from the brain, but actually it's the veins and arteries on the surface of the brain that are sensitive to pain. These veins and arteries are caused to dilate for umpteen reasons, and that leads to a stretching of the nerve endings in the walls of these blood vessels, and you get a headache. मस्तिष्क के बाहरी हिस्से पर शीरा और धमनी या आर्टरीज होते हैं। इनके दीवारों में नर्व एंडिंग्स होते हैं। धमनी के बढ़ जाने पर नर्व एंडिंग्स पर तनाव पड़ता है और हमें दर्द होने लगता है। A natural panacea for all headaches, the soothing sight of a colorful rainbow. Why is a rainbow always like an arch? इंद्रधनुष धनुष जैसे आकार का क्यों होता है? एक बार पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की किरणें सात रंग में विभाजित हो जाती हैं। इसको वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हम वास्तव में एक विशाल और वक्र वर्णक्रम को देख रहे हैं। यहाँ वर्षा की नन्ही बूंदे प्रिज्म का काम करती हैं। चलिए हम देखते हैं कि यह कैसे होता है। जब सूर्य की रोशनी पानी की एक बूंद में प्रवेश करती है, वह सात रंगों में विभाजित हो जाती है, जैसे प्रिज्म में होता है। बूंद के भीतर स्पेक्ट्रम फैलता है और यही रोशनी बूंद के पिछले सतह से टकराते हुए परावर्तित होती है। इस तरह रोशनी बूंद के भीतर से बाहर लौटती है विभिन्न रंगों तथा विभिन्न दिशाओं में। इसलिए इंद्रधनुष का दर्शन हमें तभी होता है जब सूर्य हमारे पीछे हो और बूंद की चादर हमारे सामने टंगी हो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आकाश में ये रंग बिखरते क्यों नहीं और इंद्रधनुष धनुष आकार क्यों लेता है। Well, it's like this. Millions of water droplets are reflecting the sunlight coming from behind your head and splitting them, as Dr. Sinha showed, into different colors, with violet on top and red below. Now let us look at a drop from which only the red light is able to enter our eyes. Now all the other colors coming out from that drop do not enter your eyes, so you can't see them. Every other drop which is able to reflect back red light into your eyes must obviously make the same angle with your eyes, and therefore all such drops must lie on the surface of a cone whose axis is horizontal and which passes through the center of your eyes. And this must happen with all other colors. And this is why the rainbow has the shape of a gigantic bow. This also means that there is no one rainbow which all of us see. Every pair of eyes carries a different rainbow. जो बूंदें हमारी आंखों में लाल रंग परावर्तित करती हैं, वे सभी मानो एक शंकु के किनारे पर रहती हैं। हर रंग का एक अपना ही शंकु होता है, परंतु ये सभी शंकु का एक ही अक्ष या एक्सिस है जो हमारी आंखों की केंद्र से एक समतल रेखा बनाता है। इसलिए हम इंद्रधनुष को धनुष आकार में देखते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इंद्रधनुष को आप सभी जगह देख सकते हैं, झरने में, फुवारे में, यहां तक कि बाथरूम के शावर में भी, परंतु सूर्य की रोशनी आपके पीछे से पड़नी चाहिए। पिछले महीने हमने आपसे पूछा था कि ग्लास को उलटने पर भी
ना तो पोस्टकार्ड गिरा और ना तो पानी। चलिए इस बात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली पुट, द एयर ट्रैप्ड इनसाइड द ग्लास इज एट अ लोअर प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हिच इज व्हाई द प्रेशर आउटसाइड होल्ड्स अप द कार्ड अगेंस्ट द वेट ऑफ द वाटर। बट व्हाई इज द प्रेशर इनसाइड लोअर? बिकॉज व्हेन यू इन्वर्ट द टम्बलर, द वाटर डज ड्रॉप अ लिटिल, क्रिएटिंग अ पार्शियल वैक्यूम इन द स्पेस अबव। बट एज सून एज दैट हैपेंस, द प्रेशर आउटसाइड being greater now presses up against the card. So you might say that the water does drop a little, but only to the extent allowed by the atmospheric pressure. जब आप ग्लास को उलटते हैं तब ग्लास के अंदर का पानी थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरने लगता है। इससे ऊपरी हिस्से में दबाव कम पड़ जाता है और बाहरी वातावरण कार्ड को ऊपर की तरफ ढकेलता है, इसलिए पानी और नीचे नहीं गिर पाता। इस महीने के प्रश्न के लिए आप मेरे साथ एक सरल प्रयोग करें। कमरे की कोई दूर की चीज देखें, उस चीज को एक टक देखते हुए अपनी दोनों उंगलियां इस प्रकार पास में लाएं। उंगलियों को आमने सामने लाइए। जब वे लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हों तब गौर कीजिए। दोनों उंगलियों के बीच में आपको एक तीसरी उंगली झूलती हुई दिखाई देगी और वो भी दो नाखूनों वाली। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों और कैसे होता है? इस सवाल का जवाब अगले महीने। अपने टीवी स्क्रीन पर हमारे 6 नए सवालों को देखना ना भूलें। तब तक के लिए क्यों और कैसे कार्यक्रम की तरफ से आप सबको नमस्कार।